हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिन भी बच्चों की स्पीड जो है वो 100 से अबव नहीं जा रही है, उनको 100 से ऊपर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, 110 120 WPM पर जब वो डिक्टेशन लिखते हैं तो उनके वर्ड्स छूट जाते हैं, या फिर जो बच्चे लिख लेते हैं तो उनको उनके आउटलाइन समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो नहीं बढ़ पा रही है, और कौन से रीजंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा हम वीडियो। तो सबसे पहला रीजन है हमारा इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस शेड्यूल। इसका क्या मीनिंग है कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 या 2 दिन तक लगातार अपनी प्रैक्टिस करते हो 110 WPM पर, उसके बाद आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, आपसे नहीं लिखा जा रहा है, तो आप वापस से 100 WPM पर लिखने लग जाते हो। तो इससे आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक लगातार अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना होगा। 110 पे आप लिख रहे हो तो 110 पर 15 से 20 दिन लगातार लिखिए, उसके बाद में आप जो है देख पाओगे कि आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हुई है। इसलिए आपको एक भी दिन जो है वो प्रैक्टिस का नहीं छोड़ना है। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि आपने आज 110 पे नहीं लिखा, आपने 100 पर लिखकर ही उस दिन को निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। 15 से 20 दिन तक लगातार 110 पर लिखना है, एक भी दिन को छोड़ना नहीं है। दूसरा, 3 हफ्ते तक कम से कम ये चीज़ आपको करनी है। इससे आपकी जो स्पीड है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी विद इन 3 वीक्स के अंदर। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए, इससे आपकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस सेशंस। इसका क्या मीनिंग है कि हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम डेली जो है, बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही डिक्टेशन लिखते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा चीज़ जो आप करोगे, एक एक डिक्टेशन लिखोगे, तो एक एक डिक्टेशन से आपकी स्पीड कभी भी नहीं बढ़ने वाली। आपको एटलीस्ट डेली के 5 से 6 डिक्टेशन लिखने चाहिए, उसी के बाद में आप अपनी स्पीड को इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। और दूसरा चीज़, आपको अपना जो प्रैक्टिस सेशन है वो एटलीस्ट 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने चाहिए। मतलब आप एक सुबह सेशन रख सकते हो जिसमें आधे 1 घंटे की प्रिपरेशन आप करिए, उसके बाद में दोपहर में रख सकते हो और शाम को रख सकते हो। ऐसे करके आप अलग अलग टाइम पीरियड पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे और आधा आधा 1 1 घंटे के प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसके अंदर आप 2 से 3 डिक्टेशन एक बारी में लिख लोगे, तो आपका जो शाम तक है वो 5 से 6 डिक्टेशन आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी। ऐसे करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप सोचो कि आप 1 1 डिक्टेशन लिखते जा रहे हो 110 पे और आपकी महीने भर बाद स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको ज़्यादा डिक्टेशन लिखने चाहिए और एक सेशन को आप आधे घंटे से 1 घंटे तक का रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ज़्यादा लंबा टाइम भी मत प्रिपेयर करना, जैसे 2 2 3 3 घंटे मत बैठिए, आधा 1 घंटा बैठिए, ये सफिशेंट रहेगा, और 2 से 3 पार्ट में बैठ करके प्रिपेयर करिए। इसके बाद में हमारा तीसरा रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे सिमिलर टाइप के मैटर्स लिखते हैं। अगर उन्होंने प्रोग्रेसिव उठाई है तो वो प्रोग्रेसिव ही लिखते जा रहे हैं और सोच रहे हैं उनकी 110 आ गई है, तो वो चीज़ भी गलत है। आपको अलग अलग टाइप के मैटर्स लिखने चाहिए, उसके बाद में ही आप श्योर हो सकते हो कि आप 110 में 100% लिख सकते हो। इसलिए आपको अलग अलग टाइप के मैटर्स लिखने चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको डिबेट टाइप का मैटर भी लिखना चाहिए, एडिटोरियल भी लिखना चाहिए, ऐसे भी लिखना चाहिए और लीगल मैटर भी लिखना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के मैटर्स जो एग्जाम में आते हैं वो लीगल मैटर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रोग्रेसिव या एडिटोरियल लिख लेते हैं पर लीगल में उनको दिक्कत आती है, और कुछ बच्चे सिर्फ लीगल लिख पाते हैं, बाकी उनसे नहीं लिखे जाते। इसलिए आपको हर टाइप के मैटर लिखने की प्रैक्टिस डालनी होगी। अब आप जो 3 सेशन डिवाइड कर रखे हैं उन तीनों सेशन में अलग अलग टाइप के मैटर लिखें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद फोर्थ रीज़न है हमारा राइटिंग लॉन्ग मैटर्स। लॉन्ग मैटर्स का क्या मीनिंग है? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि 10 10 मिनट का या 7 7 मिनट का मैटर लिखेंगे और हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना। आपको याद होगा जब हम बुक शुरुआत कर रहे थे, बुक के बाद में जो एक्सरसाइजेज होती थी उसके अंदर 100 150 वर्ड्स के जो डिक्टेशंस थे वो रहते थे, हम लोग उनको लिखते थे और हमारी स्पीड जल्दी से बढ़ जाती थी। 80 90 WPM तक हम आसानी से लिख पाते थे काफ़ी जल्दी। और उसके बाद में हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन में आ गए तो हमको लगता था कि हम 800 800 वर्ड के या 500 500 वर्ड्स के मैटर्स लिखेंगे और स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है।
आपको जब भी स्पीड बढ़ानी हो तो आप छोटे छोटे मैटर्स लिखिए, एक एक मिनट या दो दो मिनट के मैटर्स लिखिए, उससे आपकी स्पीड जो है वो जल्दी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप जो है कम टाइम के अंदर ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे, ज़्यादा आपको याद रहेगा कि आपने एक पेज में अगर डिक्टेशन लिखा है तो एक पेज में आपने क्या क्या लिखा है, उससे आपका जो माइंड है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि आपने क्या लिखा है और आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। इसलिए आपको 5 5 10 10 मिनट के मैटर्स नहीं लिखने हैं, आपको 2 या 3 मिनट का मैटर लिखना है, या फिर आप देख सकते हो कि आप अपने जो स्टेनो डायरी है उसका एक पेज लिखिए, उसके बाद में अपना डिक्टेशन रोक दीजिए, उस एक पेज को ट्रांसक्राइब करके देखिए कि आपकी उसमें कितनी मिस्टेक्स आ रही है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ जो रीजन है वो है नॉट रिव्यूइंग योर प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते जाते हैं, कुछ भी नोट डाउन नहीं करते कि उनकी पहले कितनी मिस्टेक्स थी और अब कितनी मिस्टेक्स है। ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बाद में एनालाइज करने में कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आपका इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। इसलिए आपको अपना एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करके रखना चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो वीकली एनालाइज कर सको कि आपकी एक हफ्ते पहले कितनी मिस्टेक्स थी, और जिस मेथड को आप फॉलो करके एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपकी मिस्टेक रिड्यूस हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आपको अपना मेथड चेंज करने की जरूरत है, या फिर आपको प्रैक्टिस और करने की जरूरत है, ये आप अपने डेटा से ही पता कर सकते हो। इसलिए आपको वीकली रिव्यू करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस को और अपने रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करना चाहिए। हमारे जो सॉफ्टवेयर पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसके अंदर मैं आपको आपका रिपोर्ट कार्ड भी प्रोवाइड करता हूँ, एक आपको आपकी स्क्रीन पर एक तरह से एक सैम्पल रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर जैसे आप जितनी भी डेट पर आप मैटर लिखें, जैसे इसके अंदर 14 फेब का शुरुआत है, तो 14 फेब पे जितने भी मैटर्स आपने लिखे उसके अंदर आप मिस्टेक्स लिख सकते हो कि आपकी उस दिन इतनी मिस्टेक्स आई थी, उसके अगले दिन की इतनी मिस्टेक्स थी, ऐसे करके आप मिस्टेक्स लिख सकते हो और आपका ऊपर एक चार्ट बनता रहता है। इससे आप पता कर सकते हो कि आपने 7 दिन में आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो अप हुई है या डाउन हुई है या फिर कॉन्स्टेंट रही है। इसके बाद में आप एनालाइज कर पाओगे कि आपको अब जो है अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको डिक्टेशन ज़्यादा लिखने चाहिए या फिर आपको मेथड चेंज करना चाहिए। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपनी स्टेनो की प्रैक्टिस कर सकते हो, stenoarmy.com नाम से हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर आप अपना डिक्टेशन लिख सकते हो, डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कर सकते हो, और उस ट्रांसक्रिप्शन का सोल्यूशन भी आपको वहाँ पर दिखेगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं और आपने कितनी जो एक्यूरेसी है वो अचीव करी है। तो वो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस और मैटर्स शेयर करता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपकी स्पीड जो है वो कैसे इम्प्रूव होगी, या फिर कैसे आप जो है मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे इम्प्रूव नहीं हो रही है। आप ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस करिए, आपकी डेफिनेटली 20 से 25 दिन के अंदर आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। 110 120 नहीं, आप 140 भी अचीव कर सकते हो इस मेथड को फॉलो करके। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।